जिस तरह का रेस्पॉन्स फिल्म को मिल रहा है जब मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ या मैं गानों की बात कर रहा हूँ बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन् जी और जिस तरह जब यू नो सीन जयपुर में जिस तरह से क्राउड को संभालना हाँ, मुश्किल हो गया था अनकंट्रोलेबल था सीन योर पेरेंट्स सिटिंग वो बेचारे कहीं शिफ्ट <laughs> कही हो गए चले गए <laughs> वो दिखे ही नहीं बाद में तो जब इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है जिम्मेदारी बढ़ जाती है या डर लगता है मिक्सर होता है दोनों दो चीज़ों का आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही बट एक नर्वस एनर्जी भी रहती है कि अब ये फिल्म ऑफ़ कोर्स दस दिन बचे हैं इससे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है और ऑल्सो अभी जैसे जैसे मैं इंटरव्यूस कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि भूल बुला टू के टाइम हमारे ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं एंड uh, एंड उस टाइम आई थिंक हर्डल्स अलग थे लेकिन थ्री के टाइम इतनी एक्सपेक्टेशन आ चुकी हैं ऑल्सो काइंड ऑफ रिव्यूज या रिसेप्शन जो जो ट्रेलर्स को टीजर को या फिर गाने को मिला है अभी तक उसने और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है सो सो वी आर मतलब आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे एंड आई एम आई एम जस्ट होपिंग कि मतलब यही तो हम चाह रहे थे तो अभी वो आगे बस ट्रांसलेट हो वंस ऑडियंस जस्ट दे शुड जस्ट गो एंड गेट इंटरटेन आई थिंक वो है जैसे आपने जिक्र किया जब जब मैं भूल टू की बात करता हूँ तब भी अलग अलग तरह के नजरिए थे अलग अलग तरह के यू नो ओपिनियन थे लोगों के लेकिन उस पूरे नजरिए को बदल दिया जब फिल्म यू नो बाहर आई और मंजूरी का तो ब्रांड था ही रू भाभा ब्रांड बन गया यू नो वो उस तरह का रेस्पॉन्स मिला क्या आपने भी सोचा था कि ये होगा एक ओपिनियन था लोगों का कि अरे यार इतनी कल्ड फिल्म है और आप उसको छू रहे हैं ये वो बहुत तरह की बात लेकिन कमर्शियली इतनी बड़ी कामयाब फिल्म हुई नज़रिया बदल गया लोगों का आई थिंक uh, एक एक एस्पेक्ट था इसका भूल बलिया टू का जिसमें ये कैरेक्टर नेम्स यहाँ पे थे लेकिन एक ओरिजिनल कहानी थी एंड बहुत टाइम बाद एक ऐसी कमर्शियल फिल्म आ रही थी जिसकी कहानी एकदम uh, एक रिलेटेबल फैक्टर भी था बट एक यूनिकनेस थी स्टोरी को और uh, वो आई थिंक इसके लिए बहुत वर्क किया इन एन एंटरटेनिंग मैनर तो वो एंटरटेनमेंट के जो इसका क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा था एंड आई थिंक सेम गोज़ विद भूल बिला थ्री ये भी एक ओरिजिनल कहानी है जिसमें जिसमें बहुत कुछ नया होने वाला है कैरेक्टर नेम्स हैं या uh, मतलब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता लेकिन लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि इट्स अ डिफरेंट स्टोरी इट्स अ यूनिक स्टोरी एंड वो उसके लिए एक बहुत uh, uh, इस इस फिल्म के एंटरटेनमेंट क्वेश्चन को ना uh, को और ज़्यादा ऊपर करता है So, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ये अगेन लोगों को एंटरटेन करेगी मैं इसका पार्ट जब से शुरुआत से बनाऊँ मैं मैंने बहुत एंजॉय किया है शूट करना वो सीन्स को चाहे वो हॉरर सीन्स हो चाहे वो कॉमेडी वाले सीन्स हो सो आई एम रियली होपिंग दैट दिस दिस आल्सो गिव्स द सेम रिजल्ट और और मोर और दौर भी चल रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ हॉर कॉमेडी का दौर चल रहा है ये भी बेनिफिट करेगा और जब मैं यू नो जब मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ लोगों में क्यूरिसिटी है कि भाई दो दो मंजुली का Correct. अलग अलग तरह का नजरिया बन रहा है क्यूरिसिटी बढ़ रही है और यू नो द करंट सनारो विच इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री लोग पसंद कर रहे हैं हॉर कॉमेडी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कैंपेन भी इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से अभी तक रोल आउट हुआ है जिसमें आई थिंक कहीं ना कहीं पहले माधुरी जी को नहीं दिखाया गया था पहले जब आपने टीजर देखा था तो टीजर में जिस तरीके से विद्या जी का वो कुर्सी वाला सिंहासन उठाने वाला शॉट है वो उसके बारे में काफ़ी चीज़ हो रही थी एंड देन ट्रेलर आया तो फिर माधुरी माधुरी जी रिवील हुई एंड अगेन दैट क्रिएटेड क्यूरियोसिटी देन द टाइटल ट्रैक केम जिसमें अगेन एक अल, अलग तरीके से इंटरनेशनल एक को पूरा एक आया एंड जिस तरीके से वो शूट भी हुआ सो so, हर एसेट में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ नया आई थिंक ऑडियंस को थैंकफुली uh, हम दे पा रहे एंड एंड देट वॉज द प्लान तो वो आई थिंक वो रोल आउट जिस तरीके से हो रहा है पूरा कैम्पेन uh, कहीं कही ना कहीं वो समझ आ रहा है कि हाँ ये जैसा प्लान किया था वैसा ही आगे बढ़ता जा रहा है एंड आई होप कि ये रिलीज़ के बाद भी ऐसे ही लगे लोगों ने गाना बड़ा पसंद किया और ख़ास कई लोगों ने तारीफ़ भी की आई आई डों आपको आप तक ये <laughs> बात पहुँची कि नहीं पहुँची जब मैं आपके हुटेप की बात करता हूँ तो रिधिक रोशन का लोगों ने बोला यार वाट्स योर टेक ऑन डेट हाउ डू यू टेक दिस इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट ओनली मैं हालांकि ही इज़ ही समन जो हु फॉर इज डांस स्टेप्स एंड एंड मैं बिल्कुल भी सेम कंपेरिजन मैं कर भी नहीं सकता उनसे बट 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 मैं इन सब चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं एंड बट इतना जिस तरीके का रिएक्शन अभी ये गाने को लेकर आया है आई एम एम जस्ट टू हैप्पी विद रियली Uh, there was a lot of pressure on all of us again to deliver uh, the title track and, uh, and the way the entire team worked towards it was unreal tha and, and I, I had fun मुझे ऐसा लगता है जो रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं जिस तरीके से वो स्टेप्स बना रहे हैं जो री re रिक्रिएट कर रहे हैं रील्स बना रहे हैं वीडियोज़ बना रहे हैं मुझे कई बार हंसी भी आती है जिस तरीके का आ, कुछ लोग वो स्टेर के इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं तो आ, तो नया है मेरे लिए बट आई एम आई एम जस्ट आई एम जस्ट हैप्पी बुल्वे टू के टाइम पर ट्रा, टाइटल ट्रैक में भी ये बहुत हुआ था जग्जैक्ट स्टेप के साथ बट इस बार भी इसके साथ काफ़ी सेम चीज़ हो रही है कार्तिक बहुत संभल के बोलते हैं जब भी मैम सीन यू 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 स्पीक टू एनी जर्नलिस्ट जब मैं खास करके विवादों की बात करता हूँ और इट रिमाइंड मी यू नो द वे शाहरुख इंटरेक्ट विथ मीडिया बिफोर दिस क्योंकि बहुत संभल के कि हाँ कोई चीज़ कोई लफ्स कोई शब्द यहाँ से वहाँ ना हो जाए ये पता नहीं मैं किसी ने बोला नहीं लेकिन हाँ मैं सोच के ज़रूर बोलता हूँ मैं पहले शायद से ऐसे इतना सोच के नहीं बोलता था लेकिन ऑफ लेटली मैं ये ये चीज़ों में थोड़ा सा शायद से ध्यान ज़्यादा देने लगा लगाऊँ uh, क्योंकि कई बार मैं बहुत uh, मुश्किलों में भी पड़ा हूँ क्योंकि uh, uh, कोई किसी बात का कुछ uh, मतलब हाँ अलग मीनिंग आ जाता है तो मैं थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ लेकिन uh, लेकिन इतना भी नहीं आई मीन आई एम आई एम ट्राइंग एज मतलब जितना मैं चीज़ें जो मेरे दिमाग में मैं वही नाइन्टी नाइन परसेंट चीज़ें मैं वही बोल रहा तो और एंड आई होप वो इससे कुछ कुछ ऐसा बदलाव ना लगे मेरे अंदर uh, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों को मैं जैसा हूँ शुरुआत से रहा हूँ वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो लोगों को पसंद है मेरा मैं उसको लूज़ आउट भी नहीं करना चाहता जस्ट टू

एंड जिस तरीके से अचीव किया है तो वो बहुत ही कमेंडेबल uh, जर्नी है एंड एंड uh, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपकी फिल्म का क्लैश हो रहा है आपको क्या कहना है मैं इन जनरल आपसे पूछूंगा यू नो जब और सिर्फ ये पहली फिल्म नहीं है और ना ये आखिरी फिल्म होगी Correct. जो क्लैश हो रही है इससे पहले भी कई फिल्में क्लैशी जी क्या आपको नहीं लगता है कि मेकर्स को एक, एक एक, नोट पे आके डिसाइड करना चाहिए यू नो व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंड द फैंस गेट डिवाइड द ऑडियंस गेट डिवाइड कहीं हाँ, मेकर्स को नुकसान नहीं होता, दोनों दोनों तरफ की है, दोनों तरफ की लोग जाने वाले भी हैं, तो एक, कुछ, कुछ एक 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 एक, एक मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली uh, अगर वैसे देखा जाए तो ये uh, किसी की गलती नहीं है यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम uh, बहुत पहले से अनाउंस करके रखे थे फिल्म को, तो हमारी हर चीज इसके अराउंड हो रही थी Uh, जैसा मैंने उनकी फिल्म के बारे में देखा उनका पूरा uh, फिल्मी यू नो इट्स अराउंड दैट सब्जेक्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा सिचुएशन ऐसा बन गया तो उसमें कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता है. तो अब अगर कोई कुछ बोल सकता तो अलग बात होती तो आई थिंक बट फॉर्चुनेटली ये डेट इतना बड़ा है कि दोनों फिल्मों को मौका मिलेगा और दोनों फिल्मों के चलने के चांसेस इक्वली uh, इक्वल है उसमें कुछ uh, आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि किसी ने एक फिल्म देख ली है तो दूसरी फिल्म देखेगा ही नहीं इंसान वो ये भी देख सकते हैं ये भी देख सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग एक ही फिल्म देख रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसका कोई सोल्यूशन था नहीं एंड नाउ वी आर इन इट बट वी कैन ऑल ऑल ऑफ अस कैन जस्ट होप दैट दोनों फिल्में चलें कार्तिक अब तक का आपका सफ़र इंडस्ट्री में जब आपने शुरुआत की थी और अब तक जिस मकाम पे आप पहुँचे हैं uh, और जो आपके साथ जो आपके यू नो जिस लोगों ने आपके साथ चालू करियर की शुरुआत की थी विथ ऑल डी रिस्पेक्ट वो कहीं नहीं है लेकिन आप कहीं हैं जी. इस मकाम पे हैं कि यू you नो know, इतनी नुँँ. बड़ी फिल्म के सामने ये तो सोलो हीरो विद विद्या बालन जी एंड माधुरी जी एंड ऑल ये जो जर्नी रही है डू यू गिव द क्रेडिट टू जहाँ तक आप पहुँचे आई थिंक मैं 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 अगेन मैं मतलब बहुत ये डिप्लोमेटिक नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं फैंस को बहुत इसमें थैंक करना चाहूँगा uh, मुझे ऐसा लगता है कि फॉम माई फर्स्ट फिल्म इट्सल्फ जिस तरीके से मेरे को एक लॉयल ऑडियंस uh, मिली uh, जो मेरे तक पहुँचा भी देती थी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से वो फैंस uh, कि आपको ये करना चाहिए आपको ये नहीं करना चाहिए आपके यू नो दे क्रिएट स्टाफ दे मैसेजेस भेजते हैं या फिर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते हैं मुझे लगता है मैं तो हमेशा ये चीज़ कई बार आ, बोलता भी हूँ कि आई एम बिकॉज ऑफ माई फैंस एंड मुझे आज तक शुरुआत से लेकर अभी तक आ, मुझे कभी भी उन्होंने लोनली फील नहीं होने दिया बिकॉज मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और वो मेरे फैंस हैं एंड आई कॉन्ट थैंक द इनफ सो इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मी तो मेरी पूरी जर्नी मुझे लगता है मैं uh, उनके लिए बोलना चाहूँगा जब हम फैंस की, फैंस की की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से जब मैं मैं भूल थ्री की बात कर रहा हूँ उसका ट्रेलर हो उसके बाद गाना हो क्या आपने ये बात नोटिस करी बहुत यू नो बहुत ना के बराबर नेगेटिविटी रही है सोशल मीडिया का जिस तरह से दखल है और जिस तरह से लोग छोटी सी छोटी बात को सुई की नोक की तरह भी अगर उन्हें कुछ लगता है ट्रोल करते हैं एक बड़ी पॉजिटिविटी रही हैव यू नोटिस दिस मैं मतलब क्या होता है कि हर चीज़ में अभी आप हंड्रेड uh, परसेंट सबको खुश नहीं कर सकते uh, तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो रहेगा तो यू हैव टू गो बाय द जजमेंट कि ये अप्रॉक्सीमेट ये टिल्ट किस साइड हो रहा है ये पॉजिटिविटी की साइड ज़्यादा टिल्ट हो रहा है या नेगेटिविटी की साइड एंड एंड विद द फिल्म एज बिग एज बुलवै थ्री आई थिंक इसमें बहुत लोगों की नज़रें तो उसका बहुत कट टू कट चीज़ें होती हैं जिसमें uh, ये परसेंटेज uh, कभी भी इधर जाने के चांसेस हो सकते हैं लेकिन थैंकफुली वी नोटिस दैट दर अ ट्रेंड दज अ पॉजिटिव ट्रेंड द अ पॉजिटिव ट्रेंड द इवन द इंटरेस्ट रेट ऑफ वॉचिंग दिस फिल्म देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स ऑर्मैक्स हो गया या कोई भी चीज़ हो गया इट्स इट्स शोइंग दैट देर इज अ ग्रेट बर्स देर इज अ ग्रेट अपील फॉर द ऑडियंस एंड देर अर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टूवर्ड्स

लास्ट लास्ट टू क्वेश्चन है जी योरपीरियंस वॉकिंग विद विद्यांस अनियल एक्सपीरियंस अनरियल एक्सपीरियंस मुझे ऐसा बहुत मज़ा आया उनके साथ शूट करके मुझे विद्या जी के साथ अगेन uh, मैं उनके साथ काफ़ी अभी भी प्रमोशंस uh, चल रहे हैं तो उनको मिलता रहता हूँ तो शी चीज चीज़ बबली शीज समन हु फन लविंग और कुछ ना कुछ वो सेट पे uh, मस्ती चलती रहती है जब वो हो होती है

लकीस्ट वन हाउ इम्पॉर्टेंट अदरवाइज यू नो हर फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन जब मैं इस फिल्म की बात करता हूँ इसमें बहुत कुछ बहुत कुछ कहा बोला और एक एक अलग तरह का माहौल है इस फिल्म को लेकर ऑडियंस भी है लोग भी हैं फैंस भी हैं जैसे आपने कहा कि रेशियो बहुत बड़ा रेशियो है जिसके यू नो इर्द गिर्द यह बस है कि दे दे वॉन्ट टू टू सी द फिल्म हाउ इम्पॉर्टेंट द क्रिटिकल एंड द कमर्शल सक्सेस भूल बलिया थ्री इज इंपॉर्टेंट फॉर कार्तिक Uh, मतलब वो मेरा हर फिल्म में ही होता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर फिल्म शायद से मेरी uh, पहली और आखिरी फिल्म है तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ उन फिल्मों में तो भूल भुलैया थ्री भी मुझे ऐसे ही लगता है और मैं uh, <coughs> उसके लिए uh, uh, हर चीज़ कर रहा हूँ एंड एंड आई फील एंड आई होप दैट इट ट्रांसलेट इन टू नंबर्स ऑल्सो एंड इट ट्रांसलेट इन टू पॉजिटिविटी ऑल्सो वेयर पीपल हु गो टू द थिएटर्स दे इन्जॉय दिस फिल्म एंड दे Uh, they, they feel that uh, it was value for their money you know wo wo cheese aisa na lage ki kya hua hum and i, and I, I think we have made a good film and, and an entertaining one uh, which you can watch with your family and it, it's it's, it's going to be a festive season at that point of time so i feel lots and lots of people will be in that zone where they would want to watch an entertaining film and I think we are, we are uh, really entertaining, <laughs> and uh, the entire team is very entertaining. And I feel that we have made an entertainer uh, out of Bullplayer 3. So, yeah, the expectations are. Thank you so much, Karthik, for giving your you. time. Thank, Thank you so you, much. <laughs> Thank you.